राम राम भाई सरन है। मैं आपका साथी कुलदीप मेघवाल हरियाणा जीके का एक नया टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। आज हम पढ़ाएंगे भाई आभूषण। आभूषण का मतलब गहने भाई। जो हरियाणा की जो वीरवानियाँ हैं, हरियाणा की जो औरतें हैं भाई, कौन कौन से गहने पहनती हैं और गहने के बारे में, आभूषण के बारे में आज हम पढ़ाएंगे। हमारा टॉपिक आज का यो है भाई अंगूठी। स्त्री पुरुष में सोना चांदी हीरे जड़ित एक छल्ला होता है जो उंगली में आमतौर पर में पहने जाते हैं भाई। अनंत यह बाजू के ऊपर मैं पहने जाने वाला स्त्री का आभूषण है। अधिकांश यह सर्प या अकेल के बने होते हैं और इसे पहनते समय सर्प मुख बाजू बाहरी रखी जाती है भाई। आरसी यह आईना जड़ित अंगूठी होती है और स्त्री अपने दाहिने अंगूठे में पहनते हैं। पुराने टाइम में भाई शिष्य ना होया करते और अपना गुट्ठा अंगूठी का रूप होता है वो थोड़ा बड़ा रूप है, उसमें शीशा वाला जड़ा हुआ और आत्मा ऊपर ही जा भाई और अपना कहीं भी अपना मुंह देख ले भी उसमें शीशे में ऊपरी हिस्से में आईना खुला और बंद किया जा सके भाई। कंगन भाई ये महिलाएं उनके लिए कलाई में पहने जाना आभूषण है और इसकी मोटाई 7 इंच तक होती है भाई। कंठी ये सोने के मणकों से बनी हुई कंठ माला है जिसे महिलाएं पहनती हैं। इसे पेंडल की तरह लटकाया जाता है और पीपल के पत्ते की तरह बनाया जाता है और ठप्पा उभरी हुई आकृति होती है भाई। कड़ा सोना चांदी के धातुओं से बना होता है, हाथ और पाँव में पहने जाने वाला एक आभूषण है भाई। कड़ी ये सोने से निर्मित और पाँव में के टखने के ऊपर पहने जाने वाले आकार की आभूषण होते हैं जिसे छलकड़े के नीचे पहना जाता है भाई। जैसे पुराने टाइम अपनी दादी और पैरा करती पैरा में तीन तीन चार चार एक कड़ी एक पतली एक मड़ी मोटी और एक और मड़ी मोटी। कठला ये गले का आभूषण है भाई। आमतौर पर सूती रेशमी धागे में मिलाकर बल्क बनाई जाती हैं और डोरी बड़े बड़े मोती पिरोए जाते हैं भाई। कर्णफूल स्त्रियां द्वारा पहना जाता है कान का गहना हो भाई जिसे कान के निचले हिस्से में पहना जाता है भाई। कागनी या हल्के से कंगन जैसी का जतर कलाई का एक आभूषण है। कोका आमतौर पर भाई महिलाएं सोना चांदी और गजड़ाओं से हीरा और अपने नाक में पहनती हैं, बाएं नाक में पहने जाते हैं। गजरिया ये पाँव में पहने जाने वाले आभूषण होते हैं भाई। गजरा ये कलाई पर पहना जाता है भाई। और गलसरी गल में पहने जाने वाला एक आभूषण है और ये सोने के मोटे मोटे मणकों में तीन या पाँच एक सूती पट्टी में जड़े होते हैं भाई। गुलबंद महिला द्वारा पहने जाने एक आभूषण है जो छोटे छोटे पुष्पकली बने होते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हरियाणा की जो महिलाएं हैं उनके आभूषण हैं वो पहने जाते हैं भाई और समय समय पर भाई आभूषण। पहले वाली बात रही नहीं, पहले हमारे जो दादी थी हमारी जो पुराने बुढ़ी ताई हैं वो पहनती थी और हम भी देखते हैं क्योंकि ईब के जो आधुनिक युग में लगभग हरियाणा की जो औरतें हैं ये आभूषण पहनना भूले गई और कोई एक आदमी है भाई दादी है वो पहनती हैं भाई। इसी के साथ भाई मैं कुलदीप मेघवाल आपका मेरे साथ सुनने का बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।